तो यहाँ पर एमसीयू में फैंटास्टिक फोर रीबूट जो आने वाली है उसमें रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर कौन से एक्टर प्ले करेंगे ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स नहीं कर रही आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम लोग पहली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये फैंटास्टिक फोर के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा ये वाली मूवी हमें देखने को मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स के नाम आ रहे थे कि ये यहाँ पर रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले कर सकते जो कि फैंटास्टिक फोर का मेन कैरेक्टर है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर एडम ड्राइवर, जिनका पहले भी काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा था कुछ हफ्तों पहले या एक महीना पहले, कि यहाँ पर ये समझे जा रहे हैं कि इनको ऑफर किया जा सकता है रोल। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मार्वल स्टूडियोज़ के साथ इस टाइम फाइनल टॉक्स में कि ये यहाँ पर रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले करेंगे, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से बात आई है। तो आप इसको एक तरह से सही समझ सकते हैं कि यहां पर एडम ड्राइवर के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उनको यहां पर लीड रिचर्ड्स के रोल में कास्ट कर सकते हैं। उनके यहां पर मार्वल स्टूडियोज के साथ फाइनल टॉक्स इस टाइम जारी है, तो आप लोग इनको देखना चाहते हैं लीड रिचर्ड्स के रोल में या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहां पर एलिजाबेथ ओल्सन से निकल कर आ रही है, तो यहां पर इनकी जो एक न्यू सीरीज आने वाली है उसको प्रमोट करते हुए जब यहां से इंटरव्यू में इनसे सवाल पूछा जाता है कि स्कारलेट विच के कैरेक्टर कब रिटर्न करेगा एमसीयू आप कब देखने को मिलेंगी, तो यहां पर इन्होंने ये बोला आई होप सो बट आई हैव नो आइडिया। यस ये यहां पर इन्होंने कहा था। मजीद इन्होंने यहां पर ये बोला कि मैं जो भी ऐसी स्टेटमेंट देती हूं वो आप लोग उसको किसी और मायने में ले जाते हो, मगर प्रेजेंटली इन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा कैरेक्टर रिटर्न हो, मगर इस टाइम मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहां पर सुपरमैन लेगेसी मूवी से आ रही है जो जेम्स गन जिसको लिख ले हमें डीसी की मूवी देखने को मिलेगी, तो इस टाइम ये करंटली प्री प्रोडक्शन में और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर जो इसकी प्रोडक्शन है यानी कि फिल्मिंग वो जनवरी 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस से निकल कर आ रही है। आप लोगों को पता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हमें इसी साल देखने को मिलेगी। फास्ट एंड फ्यूरियस 11 जो कि मोस्ट प्रोबली आखिरी मूवी होगी इस पूरे फ्रेंचाइज की, वो हमें अगले साल देखने को मिलेगी। तो उस वाली मूवी के भी डायरेक्टर कन्फर्म हो चुके हैं, और यहाँ पर ये वही डायरेक्टर है जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के डायरेक्टर हैं, जिनका यहाँ पर नाम है रुइस रेटरियर। यस ये यहाँ पर इस वाली मूवी को डायरेक्ट करेंगे। अगली अपडेट के बारे में बात करूँ ये यहाँ पर निकल कर आ रही है लाइलो एंड स्टिच मूवी से। आप लोगों को पता होगा ये हमें इसके बचपन में एनिमेटेड कार्टून ऐसे शोज टाइप देखने को मिलते थे, और इसकी यहाँ पर एक लाइव एक्शन मूवी डेवलप हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर कास्ट कर लिया गया और किसी को नहीं यहाँ पर कोल्टनी बी बैनर्स को, जो हमें कोबरा बबल्स के रोल में देखने को मिलेंगे। और कोबरा बबल्स का आप लोगों को पता होगा जो कि हमें करेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर सेकेंड हाउस अपडेट के बारे में बात कर ले तो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है ओशन 11 से। आप लोगों को पता होगा ओशन 11 हमें एक मूवी देखने को मिली थी जिसके हमें काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस भी देखने को मिले थे, तो यहाँ पर ओशन 11 जो पूरी सीरीज है इसमें जो लीड एक्टर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जिनका यहाँ पर नाम है जॉर्ज करोने, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात रिवील की जब यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि कैसे यहाँ पर लेनियस कैडवा जो कि हमें करैक्टर देखने को मिलता है जिसको मैट डेमन प्ले करते हैं, इस करैक्टर के रोल के लिए यहाँ पर जॉनी डेप और मार्क वेबर को ऑफर की गई थी इन दोनों एक्टर्स को, कि यहाँ पर ये दोनों एक्टर इस करैक्टर को प्ले कर सकते हैं इनमें से अगर किसी की बारी है। इन्होंने यहाँ पर यह वाली चीज़ रिवील की जब इन दोनों के वाला रोल ऑफर होता है, तो इन दोनों ने यहाँ पर यही कहा कि एफ ऑफ। और मजीद जॉर्ज भाई साहब ने यह बोला कि कैसे आज ये दोनों जो है रिग्रेट करते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर वो वाला रोल चूज नहीं किया, काश हम वो वाला करैक्टर प्ले करते, तो ये यहाँ पर इन्होंने वाली चीज़ रिवील की है। यहाँ पर अब हम लास्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये आप लोगों को खुश कर देगी ट्वाइलाइट मूवी फिल्म सीरीज का, तो आप लोगों को पता होगा जो कि हमें रॉबर्ट पैटिसन की देखने को मिली थी। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक रायंस गेट में इसकी एक टीवी सीरीज भी डिवेल्प हो रही है। यस यहाँ पर हमें ट्वाइलाइट की एक टीवी सीरीज भी देखने को मिलेगी जो कि इस टाइम अर्ली डिवेलपमेंट में है, तो ये आप लोगों को पता है कि हर मूवीज़ की इस टाइम टीवी सीरीज भी डिवेल्प हो रही है, तो इस वाली ट्वाइलाइट का भी अभी यहाँ पर नंबर आ गया, इसकी भी यहाँ पर टीवी सीरीज डिवेल्प हो रही है जो कि इस टाइम अर्ली डिवेलपमेंट में है। आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो अपडेट सिर्फ यही थकती है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों की फेवरेट अपडेट कौन सी थी वो भी जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।